तो मैंने अपना फ़ोन साइड वाले पॉकेट में डाल दिया मेरी जैकेट के। जैसे ही मैंने फ़ोन डाला, एक सेकंड में उस लड़के ने मेरा फ़ोन निकाल लिया। मुझे फील हुआ कि मेरे जेब में किसी ने हाथ डाला, तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो वो लड़का भाग रहा था। ग्रे कलर का उसने जैकेट पहन रखा था, येलो कलर की पॉलीथीन उसके हाथ में थी। कल मैं जयपुर जा रही थी, अजमेर से जयपुर वॉल्वो के अंदर जा रही थी। तो मेरी 8:30 बजे की बस थी। मैं वहाँ पे बस में पहुँची तो पता चला बस लेट है 1 घंटा। 9:30 बजे वॉल्वो आई वहाँ पे, तो हम लोग जाके वहाँ पे खड़े हो गए बस के पास में, चेक कर रहे थे हमारी यही बस है। फिर इसमें हम लोग चढ़े, मैं और मेरी मदर इन लॉ साथ में थे, तो मदर इन लॉ ने मुझे छोड़ दिया, मैं बस में अकेली चढ़ी। ऊपर जैसे ही मैं चढ़ी तो एक लड़का मेरे पीछे पीछे चढ़ा। तो जैसे ही मैं अंदर पहुँची, 8 से 10 नंबर सीट के ऊपर मैं खड़ी थी, मैं देख रही थी मेरी 12 नंबर सीट थी। तो मैंने अपना फ़ोन साइड वाले पॉकेट में डाल दिया मेरी जैकेट के। जैसे ही मैंने फ़ोन डाला, एक सेकंड में उस लड़के ने मेरा फ़ोन निकाल लिया। मुझे फील हुआ कि मेरे जेब में किसी ने हाथ डाला, तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो वो लड़का भाग रहा था। ग्रे कलर का उसने जैकेट पहन रखा था, येलो कलर की पॉलीथीन उसके हाथ में थी। वो भाग गया। फिर मैंने देखा कि यार, उस टाइम पर मैं थोड़ा घबरा गई, तो मैंने अपना बैग चेक किया कि फ़ोन मेरा बैग में तो नहीं है। फिर मैंने देखा नहीं, इसने निकाल लिया मेरा फ़ोन। फिर मैं उसके पीछे भागी। फिर मैं थोड़ा लेट हो गई, तो उतरने में सवारियाँ भी चढ़ रही थी, तो मैं उतरी, उसके पीछे पीछे गई, इतने में वो गायब हो गया। फिर आगे जाके ढूंढा ढूंढा तो वो नहीं मिला। फिर लोगों से भी पूछा, नहीं मिला। कौन सा फ़ोन था और लगभग कितनी कीमत का फ़ोन था? मेरा iPhone 14 था, वाइट कलर का, और कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का फ़ोन था वो। जैसे वॉल्वो जैसी बस में भी सेफ नहीं है तो? हाँ, वॉल्वो जैसी बस, मतलब वॉल्वो मानते कि एक लग्जरी बस है जिसमें आप कंफर्टेबली जा सकते हो और महिलाओं के लिए बेटर रहे, ऐसी बस है वो। पर उस बस में भी इस तरीके की घटना मेरे साथ हो गई है, तो उसमें भी हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे है। मतलब आज तो मेरे साथ हुआ है, कल को किसी भी आदमी के साथ, किसी भी महिला के साथ ये हो सकता है। तो अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम फिर किस में ट्रैवल करें। हम रोडवेज बस में तो चलो मान सकते हैं कि इस तरह की घटना होना थोड़ा सा स्वाभाविक है, पर वॉल्वो जैसी लग्जरी बसेस में भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर हम किस में ट्रैवल करें, हम किस में फिर आना जाना। कंप्लेन हमने दर्ज करा दी है, पुलिस सिविल लाइंस पुलिस थाना है, वहाँ पे के यादव सर हैं, उन्होंने हमारी FIR कल लिख ली थी पूरी, उन्होंने कागजी कार्रवाई कर ली। हम लोग वापस बस स्टैंड भी गए, उनको सारी चीज़ें बताई, CCTV भी हमने चेक किया। CCTV में वो लड़का आ चुका है, 7-8 कैमरे में आ गया वो लड़का, कैसे उसने फ़ोन निकाला, भागा, किधर गया, वो सब चीज़ें पुलिस को पता है। और ट्रैकिंग अभी फ़ोन की नहीं हो पा रही है, कल दिन में फ़ोन चालू हुआ था 1:20 के करीब करीब, फिर 5 मिनट बाद फिर से बंद कर दिया गया था। तो उसकी उस टाइम पे लोकेशन जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट के पास में आ रही थी, और अभी कोई उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं मिला है।